था मेरे को, मम्मी ने घर से निकाल दिया। ये देखो, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर फॉलोड मी एंड मैसेज मी। तो भाई 3-4 दिन से मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया मूड भी हो रहा है मौसम के साथ साथ, और बढ़िया बढ़िया मूड होता है तो बढ़िया बढ़िया मन करता है कि बढ़िया बढ़िया व्लॉग करें। और वेलकम बैक टू सर भाई, बढ़िया बढ़िया व्लॉग से याद आया कि कल का जो व्लॉग था, जो इसका आखिरी वाला व्लॉग देखा, वो लेट इसलिए आया क्योंकि मैंने सब आपको बता दिया था एंड उसमें लास्ट में बताया था कि उसके बाद हम बनाएंगे एक बढ़िया 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 सा बहुत ही बढ़िया सा बर्गर, तो वो मैं बनाता हूँ और उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी शाम हो गया। शाम आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है, लेकिन इट्स गुड कि शुरू हो रहा है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, वो बर्गर वर्गर बना लेते हैं और उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर द लव, जो भी आप मेरी वीडियो पे दिखा रहे हो, आप बहुत ही अच्छे दिखा रहे हो। मतलब मैं ठीक है, रेगुलर हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन जब जब मैं रेगुलर होता हूँ और जब जब मैं व्लॉग्स रिलीज करने लगता हूँ तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने लगते हो। हाँ, ये बात है कि 49% ऑफ व्यूअर जो आते हैं वो अनसब्सक्राइब होते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप बार बार आ रहे हो, बार बार देख के जा रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारे मतलब कोविड की वजह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एंड पहले मतलब मैं बस न्यूज़ में या अगल बगल सुनता था, मेरे फैमिली में भी रिलेटिव्स में किसी को कोविड हो गया और उनकी डेथ हो गई, तो जैसा कि पिछली बार हुआ था, हमारे जब कोई ऐसे एक्सपायर हो जाता है तो होता है कि आफ्टर 10 डेज बाल पूरे करवाने पड़ते हैं। बट और उसके पीछे मेरे पापा पड़े हुए हैं कि करवाना है करवाना है, बट मैं शान है, सब पीछे पड़े हैं। एंड मैं सोच रहा था कि पहले ही मैं अर्बन क्लैंप वालों को बुला के करा रहा हूं, बट मैंने अर्बन क्लैंप पे देखा तो उनकी जो सर्विस है वो भी बंद कर रखी है उन्होंने, एंड सलून भी बाहर खुले नहीं है। तो लेट्स सी, कल है वो 10वां दिन एंड कल पापा मेरे ख्याल से या तो ये होएंगे, मैं चाहता नहीं कि वो हो, वो मैं ना मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ ना वो चाहते हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ ना वो चाह, अरे कहना क्या चाहते हो, अरे ना मैं चाहता हूँ कि ना मैं हूँ एंड ना मैं चाहता हूँ कि वो हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ भाई हल्का सा, मैं कभी किसी के भी नहीं करवाता, अगर मेरे रिलेटिव भी देख रहे हैं तो सॉरी, क्योंकि भाई मैं किसी के भी नहीं करवाता। मेरे ग्रैंडफादर जब एक्सपायर हुए थे, कल उनको 1 साल हो जाएंगे, तो बस मैंने उनमें करवाया था, बाकी मैं किसी में बालों के साथ खेल कभी किसी के साथ नहीं करने देता। तो आगे करेंगे बात, पहले कर लेते हैं बर्गर। बर्गर भाई घर से निकलकर कुछ दूर चलकर, ये वाला बड़े दिन बाद बोला है ना, घर से निकलकर कुछ दूर चलकर, मैं अभी अभी एडिट कर रहा था, पिछला व्लॉग एडिट कर रहा है और अब मेरे ख्याल से लास्ट अगर हो जाएगा तो 7 बजे तक मैं व्लॉग डाल दूंगा। और देखो जो मैंने वादा किया था आपको फर्स्ट वाले व्लॉग में, जो लॉकडाउन का फर्स्ट व्लॉग शुरू हुआ था, कि अगर आप चाहते हो कि डेली व्लॉग करो तो कमेंट करके बताना, या रेगुलर व्लॉग करो तब कमेंट करके बताना, जो भी व्लॉग होगा उसमें यस आएगा ही आएगा। लेकिन यस को मैं चाहे इतना सा भी दिखाऊं, मैंने प्रतिष्ठा और अनुशासन को एकदम फॉलो करके रखा और हर व्लॉग में चाहे इतना सा दिखाओ यश दिखा है कि नहीं। बेटे बेटे मौज कर दी भाई, फिर हमने इसको कही कि भाई चल थोड़ा सा, मतलब मैं भी बोर हो रहा हूँ एडिटिंग करने के बाद ना, अगर आप कंस्टेंट 1 घंटे की या 1.5 घंटे की एडिटिंग करते हो तो उसके बाद बोर होना जायज है, पक्का है। तो फिर मैंने यश को कही कि भाई चल वॉक वॉक करते हैं, फिर ब्लॉग व्लॉग करते हैं। उसके बाद मैंने अभी ऐसे मेरी बात हो रही थी और मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दूं कि वन ऑफ माय सब्सक्राइबर फॉलोड मी एंड
मैसेज मी। और भाई फिर मैंने सोचा कि मैंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं सबके मैसेज जो रिक्वेस्ट आती है उनका रिप्लाई नहीं देता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अगर किसी का आया है तो बी काइंड एंड गिव रिप्लाई, तो मैंने रिप्लाई दिया। और भाई पता रिप्लाई का आया कि आई सी योर ब्लॉग्स एंड आई फॉलोड यू एंड मैसेज यू बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक योर फ्रेंड। मैंने कि विच फ्रेंड, कहती है यश। माय गॉड, वाओ। मैंने कि वाह भाई वाह, हमने ब्लॉग करना शुरू किया है कम से कम 4-5 महीना हो गया और फॉलोविंग देखो 5 वीडियो में आया है। मैसेज आने लगे भाई के लिए, वाह बेटे मौज कर दी। भाई भाई हम इस पार्क में आए थे, ये देखो अंकल कैसे चल रहे। भाई अभी हम इस पार्क में आ गए थे ऐसी वॉकिंग टॉकिंग करते हुए, और फिर भाई मैं पहले इस वाले पार्क में, ये वाले इसमें ना मैं बचपन में खेलने आता था क्रिकेट विकेट और फुटबॉल वुटबॉल। और जब हम आते थे तब ऐसा होता था कि ये जैसा आपको दिख रहा है ये जो ढेर बना रखा है ये सूखे पत्तों का ढेर बना देते हैं। एंड जब मैं खेलने आता था तब ऐसा होता था कि ऐसा कुछ होता था एंड बीच में गहरा सा होता था, उसमें पत्ते ही पत्ते होते थे, फुल सॉफ्ट कह सकते हो या क्या कह सकते हैं यार उसको, कंफर्टेबल क्या कहेंगे, जैसे एकदम गदगद क्या। तो मतलब कुछ बढ़िया है स्पंजी टाइप सा होता था और उसमें हम सब कूद कूद के खेलते थे, है ना यश। एंड जो मैंने आज बर्गर बनाया था वो यश को भी खिलाया था, कैसा था बर्गर बता भाई। मजा आया नहीं सही बता, स्टफिंग स्टफिंग बढ़िया की थी ना उसकी, है ना। तो क्या लगता है उसको खा के तुझे भाई, खा के मेरे को इतना अच्छा लगा ना भाई, तेरे को ना व्लॉगिंग छोड़ रेडी खोल ले जाके, बहुत अच्छा बना भाई, बहुत ही अच्छा बना भाई। मतलब छोटे लोग छोटी बात, रेडी खोल ले, ये नहीं बोल सकता कि भाई रेस्टोरेंट खोल ले, होटल खोल ले, रेडी खोल ले, बताओ यार। मतलब तुझे लॉकडाउन में मतलब भाई ये क्या चाहता है तू कि मैं गमछा यहाँ लगा लूँ अपने गुलाबी कलर का और फुल पसीना आता रहे बर्गर में डालता। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो भाई कल जहाँ से शुरू किया था वहीं से आज भी शुरू कर रहे हैं, मतलब ये डे टू है। एंड जो आपने थंबनेल देखा मेरे को मम्मी ने घर से निकाल दिया, ये देखो, तो मैंने इसको कॉल किया कि भाई अब क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये देखो ये बाल पूरे बढ़ रहे हैं इतने, और उसके बाद ये दाढ़ी। तो मम्मी ने कही कि जा भाई, मतलब मैं सो रहा था, देखो आँख से लग रहा था मैं सो रहा था। एंड उसके बाद मम्मी ने बोला कि भाई तू जा 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 जा, और मतलब गेट से लिटरली निकाला और कहती है जा, तू पहले इंसान बन गया था भैया। और जो मैंने कल कही थी कि 10th जो 10वां दिन होता है जो भी जिसकी हमारे रिलेटिव में या फैमिली मेम्बर में डेथ हो जाती है तो उसके बाद बाल मुंडवाने पड़ते हैं, तो मैं बाल मुंडवा नहीं रहा, तो उसी वजह से उन्होंने जिद कही है कि भाई वो होता है तो तू कम से कम बाल तो कटवा ले, अगर बाल मुंडवा नहीं रहा तो फिर हमने कही कि चलो यार कर लेते हैं, सह लेंगे थोड़ा, है कि नहीं। एंड इसको ये और मैंने सोचा था कि साथ में आराम से बाल वाल कटवाएंगे फिर भाई सुबह। तो सुबह ऐसा हुआ कि मैं और पापा निकले और पूरा जन्नत पूरी जहाँ ढूंढ लिया, कहीं सलून वाला कोई खुला नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा के बाल वो करे मुंडा उनका बाल पूरा उनको मरिंडा कर दिया। और फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई मैं तेरी कटिंग कर देता हूँ, लेकिन मैंने कि नहीं हम अपनी कटिंग खुद करवा लेंगे। तो अब मैंने और इसने म्यूचुअल कंसेंट से सलून वाले को खुलवाया, अभी उसके वहाँ जा रहे हैं फिर से खुलवाएंगे और फिर अच्छी सी कटिंग देने के बाद नहा धो के फिर ब्लॉक करेंगे। तो भाई हमने जो भी कटिंग वटिंग करवानी थी वो करवा दी, मतलब आप देख रहे हो यार आज देखो मैंने पहली बार ही है वी वाला जो वी शेप होती है वो ट्राई किया, तो बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। एंड भाई आज हमने मतलब
कितने दिनों बाद मैंने मतलब कम से कम एक डेढ़ महीने बाद मोमोज खाए है ना, और हमने वो मैंने वो वाली चीज नहीं दिखाई क्योंकि देखो सब यही दिखा दूंगा तो फिर इंस्टाग्राम पे क्या देखोगे, तो इसलिए जिन जिन ने अबे यार इसलिए जिन जिन ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन क्योंकि वहां पे आपको पता चलता है पूरा मूड खराब कर दिया तुम क्योंकि वहां पे आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, और वहां पे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहेगा व्लॉग्स के बारे में कि अगला व्लॉग क्या आने वाला है कैसा आने वाला है, तो कर लो यार फॉलो एंड यश को भी फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में देना भूल जाओ सुनो अमन और जैसे आकाश की भूल जाता हूँ, तो अगर इसकी भूल जाऊँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देना क्योंकि मैं बस कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो आप ऐसा करना मेरे को फॉलो करना उसके बाद मेरी फॉलोइंग में जाना, यश टाइप करना उसके बाद यश को भी फॉलो करना, तो अभी ऐसा करते हैं घर जाते हैं और उसके बाद रिएक्शन लेंगे मम्मी का, जिस बेदर्दी से उन्होंने मेरे को निकाला था उसी बेदर्दी से मैं घुसूंगा और पूछूंगा कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ है ना, तू बताओ कैसा लग रहा हूँ भाई, बढ़िया लग रहा है बिल्कुल इंसान टाइप लग रहा है अबे साले जिम तो ऐसा करते हैं घर जाते हैं उसके बाद करेंगे कुछ तो कुछ करेंगे, पहले बढ़िया से नहा वहा के बाल वाल सेट स्टार्ट करके उसके बाद मम्मी सोचते हैं कि मम्मी हम कैसे लग रहे हैं तो घर चलते हैं।